नमस्कार दोस्तों और भाइयों, ये जो सामने देख रहे हैं लालू राम जी की चक्की है, तो इनकी समस्या है भाइयों का आटा बड़ा आना। काफ़ी परेशान है, 2-3 महीनों से इन्होंने नई चक्की लगाई है, नई का मतलब सेकंड में ली है भाइयों। और मैं इनकी चक्की पे आया हूँ, देख सकते हो आप इन्होंने पत्थर खोल रखे हैं पहले से, और इन्होंने समथिंग ये पूरा ये चक्की है और ये वाली मोटर है, ओल्ड मॉडल ही है। पूरे सेटअप इन्होंने समथिंग 35,000 समथिंग कुछ लिया है इन्होंने। तो ये पहले के टाइम की मोटर लगभग चारों तरफ से खुली आती है, जाली वगैरह लगी हुई रहती है, ओपन टाइप होता है। और आजकल जो नई मोटरें आ रही है वो सारी पैक आती है, बिल्कुल ही पैक। और ये इन्होंने देखो पैनल बोर्ड लगाया हुआ है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, स्टार्टर लगा हुआ है और फ्यूज गट्टे लगे हुए हैं। फ्यूज गट्टे की जगह आप ओनली MCP लगाओ तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। और वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर लगा दो तो आपका सेटअप चालू हो सकता है। और डिजिटल स्टार्टर लगभग 10,000 समथिंग आता है, उसमें वोल्टेज एम्पियर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हाई एम्पियर लो एम्पियर सारा सिस्टम आता है। वो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत फ़ायदा भी रहता है उसमें, आपको अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। MCP लगाओ और स्टार्टर को लगाओ, बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये पत्थर देखो खुल चुके हैं और आटा बड़ा आना के कारण देखो इनके पत्थर क्या है, प्लेन चल रहे हैं और प्लेन चल रहे हैं। और इन्होंने जो भी मिस्त्री ने बनाए हैं नाली मुंह पर खोली हुई नहीं है। और इनका कहना ये है कि जब चक्की की टकाई होती है तो 15 दिन तक मेरा आटा बारीक नहीं हो पाता है और बड़ा आटा ही निकलता है। इनकी देखो ये साफ्टिंग है, साफ्टिंग पे हल्का कट लग चुका है। तो मैं सभी भाइयों को हर वीडियो में बताता हूँ, बोलता भी हूँ कि भाइयों साफ्ट में से आप परेशान हो तो अच्छी वाली साफ्ट ले लो। अच्छी वाली का मतलब यह आप है ना चीनी से उसके ऊपर मार के देखो, स्क्रेप नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। या फिर आपके उधर बढ़िया वाली साफ्ट नहीं मिलती है तो आप कबाड़े से एक्सल लेके आओ और एक्सल से आप लेथ मशीन पर उतरवा लो। बिना गर्म किए को उतरवाना है क्योंकि मेहनत लगती है, बिना गर्म किए को वो बहुत हार्ड होती है। और बिना गर्म किए साफ्ट उतरेगी ना तो आपको लाइफ टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस साफ्ट में आपका ख़राब बेरिंग भी होगा, आवाज़ कर रहा होगा और आप सोच रहे हो चलने दो, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपका कट नहीं लगेगा। और कभी भी आप भाइयों ध्यान रखना कि अगर बेरिंग में चाल पड़ गई है, साफ्ट आपकी बढ़िया है या बेरिंग में चाल है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो मेरी आटे की क्वालिटी बिगड़ेगी, तो कभी नहीं बिगड़ती भाइयों। साफ्ट में बेरिंग में चाल होगी या कुछ भी होगी तो आटे की क्वालिटी कब बिगड़ेगी पता है, जब आपके साफ्टिंग में कट लगेगा ना। तो कट लगने पर क्या होगा, वो साफ्टिंग उसके अंदर गडार में फंस जाएगी, तो उसके कारण आपकी चक्की आउट भी होगी और पत्थर भी एक तरफ से खींचेगा और फिर पत्थर चिपक भी प्रॉब्लम आएगी। जो भाई बोलते हैं ना पत्थर चिपक जाते हैं, तो वो इसी कारण होता है कि उनकी सेटिंग प्रॉब्लम होती है और साफ्ट में गडार जब बेरिंग ख़राब होता है उसके अंदर स्क्रैप लग जाता है और फिर वो उसमें बेरिंग उसमें फिट हो जाता है, तो फिर आपके पत्थर कैसे दूर होंगे। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इसमें भी बता रहा हूँ कि आप जब भी नई साफ्ट वगैरह डालो तो सबसे पहले साफ्ट मतलब ऐसा नहीं कि थोक में बनती है भाइयों, कुछ कुछ साफ्टों में प्रॉब्लम आती है। मैंने कई साफ्टें देखी है मैंने, उसमें बेंड आ जाता है, या तो फिर आप अच्छी बनवा दो कि उसमें बेंड नहीं होना चाहिए और पूरा बेरिंग उसमें चला के देखो शुरू से लेके एंड तक, मतलब स्मूथ बेरिंग चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से बेरिंग ढीला है एक जगह टाइट है तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले वो साफ्ट को अच्छे से देखो, उसके बाद में सबसे पहले साफ्टिंग सेट करो। अगर आपका थर्ड पेडिसल मिस्टेक है, बहुत भाई के थर्ड पेडिसल होते हैं बहुत के नहीं होते, मेरे चक्की में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर में डबल बेरिंग है, तो बहुत तो के होते हैं, तो आप वो ना थर्ड पेडिसल खोल दो और चक्की को पहले साफ्ट लगाओ और स्मूथ आगे पीछे होनी चाहिए। जब भी साफ्ट सेट करो तब नए बेरिंग होने चाहिए। और सेटिंग करने के बाद में आप नो टेंशन हो जाओ, बढ़िया साफ्ट होगी ना तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये देख सकते हो मैं इसकी टकाई कर रहा हूँ। और बड़ा आटा जिन भाइयों के है ना पत्थर पे पटरी पे पॉलिश नहीं आती है और आटा बड़ा आता है, आप है ना अंदर से डलाना अच्छे से करो
कम से कम 0.25 इंच से 1 इंच तक अंदर से ढलान रखो, 2 इंच की पटरी छोड़ के, जैसे मैंने इस स्टोर में बताया हुआ है, देख सकते हो आप। और नाले की चौड़ाई भी ज़्यादा मत रखो, 1.25 से 2 इंच जो घूमने वाला स्टोन, और फिक्स वाले स्टोन के 1.5 इंच ही रखो, गहराई रखो लेकिन 1.5 इंच ही रखो। और दूसरा मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप कोई भाई क्या करते हैं, किसी स्टोन के स्टोन का टकाई होल्ड रखते हैं, तो होल्ड आप सिर्फ फिक्स वाले स्टोन का रख सकते हो, ये बात ध्यान रखना भाई हो। अगर आप उल्टा करने जाओगे ना, अगर मान लो आप सोचोगे कि होल्ड के लिए बोला भाई ने, तो घूमने वाले को रहने देते हैं और फिक्स वाले को बना देते हैं, फिक्स वाले की स्टोन की नाली बना दोगे अच्छे से बढ़िया, और घूमने वाले की नहीं बनाओगे, आटा बिल्कुल ही बड़ा आएगा, रफ आटा आएगा एकदम, ठीक है ना। तो आप अगर आपको होल्ड रखना है, अगर बारीक आटा चाहते हो, तो आप भले फिक्स वाले स्टोन को होल्ड रख सकते हो थोड़ा से थोड़े दिनों के लिए, और घूमने वाले को बनाओ अच्छे से, ठीक है ना। और दोनों की पटरी सेम बनाओ, ऐसा नहीं एक पत्थर की पटरी आपने 2 इंच रख दी, एक की 2.5 इंच रख दी, ऐसा नहीं करना, दोनों की सेम बनाओ, दोनों की सेम पटरी होगी तभी आपके आटे की क्वालिटी सही आएगी भाइयों। और ये और दोनों को ढलान अंदर से 0.5 इंच से 0.25 इंच तक रखो, और फिक्स वाले स्टोन के मैं स्क्रेप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप घूमने वाले स्टोन के ऊपर बनाना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको लगता है दाना आ रहा बाहर, तो आगे से हल्का हल्का टेपर आप हल्की कम कर सकते हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखना भाइयों, मेरी कॉपी बिल्कुल मत करना कब, क्योंकि मुझे भी दुख होता है जो भाई कमेंट करते हैं कि आपके आपने बताया और हमने ऐसा किया, दाने आ रहे बाहर, तो बहुत भाई बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा आ रहा है, आपने अच्छी चीज़ें बताई और मेरी चीज़ खोलेगी कुछ के क्या, हल्की सी भी गलती होती है ना भाइयों, चक्के काम है ऐसा, हल्की सी गलती से ही मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उस गलती की वजह से दाने आ जाएंगे बाहर, तो आपको दुख मेरे को भी होगा क्योंकि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। तो आप धीरे धीरे फॉलो करो, धीरे धीरे आपको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा करने की करो, तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, धीरे धीरे और सेटअप भी हो जाएगा। और गहराई के हिसाब से आप नाली की चौड़ाई बनाओ, ये भी बात ध्यान रखना। और बहुत भाई मुझे कैपेसिटर के बारे में पूछते हैं, कैपेसिटर लगाने के लिए, तो भाइयों मैं आज कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लूँगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं एक फाउंडेशन बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, वो उसका मेकिंग वीडियो आएगा जल्दी, तो मैं उसकी तैयारी में लग रहा हूँ, उसको एडिटिंग वगैरह इस तरह से करूँगा आपको, इस तरह से बनाऊँगा मैं कि आपको मतलब एक जो बिल्कुल ही कम दिमाग वाला भी होगा ना इंसान, वो भी उसको बना सकता है या बनवा भी सकता है, ठीक है ना। तो मैं उसको अच्छी तरह से डिजाइन करूँगा भाइयों, जल्दी उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो कैपेसिटर के बारे में भाइयों मैं बता रहा हूँ, कैपेसिटर वैसे मैं हमारे इधर तो आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें कहीं लगता नहीं है, हमारा जो हमारी बर्फ फैक्ट्री है उसमें भी पावर फैक्टर मेंटेन करना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे इतना कुछ अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ जिलों और कुछ राज्यों में क्या होता है, बिजली विभाग वाले उनके ऊपर चालान बनाते हैं, तो एक चक्की का क्या है, एक लघु उद्योग है उसके अंदर, उसका अंदर इतना रिक्वायरमेंट और ज़रूरी होता भी नहीं है, और फिर भी मतलब बहुत जगह ऐसे बिजली विभाग वाले मानते नहीं है और चालान फाड़ देते हैं, तो उसके लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। और कैपेसिटर में कुछ नहीं है, तीनों वायर इन किए जाते हैं जो फेस के होते हैं, वो तीनों वहाँ लगा दिए जाते हैं, स्टार्टर में लगाओ कहीं पर भी लगाओ आप, जब जहाँ जहाँ मोटर का वायरिंग जाती है स्टार्टर में लगाओ तो सबसे बेस्ट रहेगा। और उसका क्या होता है मैं बताऊँ, कैपेसिटर लगाने से एम्पियर डाउन होते हैं, ठीक है ना। एम्पियर डाउन होने का मतलब ये पावर फैक्टर मेंटेन होना, पावर फैक्टर कैसे मेंटेन होता है, आपको मीटर में भी आप देख सकते हो, कभी आप स्विच खटके दबाना उसमें PF लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर 9.9 होता है और 1 भी होता है, और पावर फैक्टर अगर 50-60 जा रहा है तो आपका मतलब समझ लो पावर फैक्टर डाउन है। और पावर फैक्टर कम होना मतलब जैसे आप चक्की जैसे मोटर आपकी है 10 HP की, ठीक है, और 15 एम्पीयर कैपेसिटी है, 15 एम्पीयर पर चलाओगे तो पावर फैक्टर मेंटेन होगा, जैसे आप अगर है ना मतलब 10 एम्पीयर पर चला रहे हो तो पावर फैक्टर डाउन होगा, मेंटेन नहीं होगा। इसी कारण मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, पैनल बोर्ड में सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कैपेसिटर ऑन होते हैं और उस तरह से वो डिजाइन करते हैं, ऑटोमेटिक मतलब पावर फैक्टर का एक मीटर भी लगता है और ऑटोमेटिक कैपेसिटर रन करते हैं वो, जब भी कोई मशीन डाउन चलती है कम लोड पर चलती है तो पावर फैक्टर ऑन होते हैं।
तो उसके लिए लगाया जाता है, न कि यूनिट कम आते हैं। ऐसा मत सोचना आप यूनिट कम होते हैं, उसके लिए भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। वीडियो भी जल्दी खत्म होने वाला है तो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे आपकी मोटर है 10 HP है ना, तो 10 HP की मोटर कम से कम एम्पियर लेती है जो बिना लोड के, 5 एम्पियर से लेकर 10-11 एम्पियर तक लेती होगी, जो कि समथिंग 1440 की RPM की हो सकती है, 960 के RPM की भी हो सकती है। 5 एम्पियर से 12 एम्पियर से आगे कोई नहीं लेती है, और कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा होने से आगे पीछे एम्पियर हो सकते हैं, ठीक है, बिना लोड के बता रहा हूँ भाइयों। और बिना लोड के जब कोई भी मोटर चलाओगे ना आप, तो एक घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना एक यूनिट से आगे नहीं निकलेगा। मैं एक यूनिट ज़्यादा बता रहा हूँ भाइयों, और कम से कम ही निकलेगा, एक यूनिट से कम नहीं निकलेगा, ठीक है ना, पौन यूनिट या आधा यूनिट ही निकलेगा, ठीक है। और दूसरा ये, अगर 1-2 HP की मोटर है, ठीक है, 2 HP की मोटर है, वो फुल लोड एम्पियर लेती है, 4 एम्पियर फुल लोड, ठीक है, और वो घंटे में निकालती है 1.5 यूनिट, 1.5 किलोवाट की होती है, 1.5 यूनिट निकालती है। तो क्यों भाइयों 4 एम्पियर ही ले रही है, 1.5 यूनिट क्यों निकाल रही है, और आपकी 10 HP की मोटर 10-11 एम्पियर ले रही है और वो 1 यूनिट निकाल रही है, तो इसमें फर्क क्या है। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो, एम्पियर की वजह से कभी यूनिट नहीं बनते हैं, उसका अलग फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का भाइयों, तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि एम्पियर की वजह से आप सोच रहे हो एम्पियर डाउन होने हमारे यूनिट कम बनेंगे, नहीं भाई ऐसा कभी नहीं है। ऐसे तो है ना, मेरे प्लांट के अंदर, आइस प्लांट के अंदर एक हैवी ड्यूटी मोटर लगी हुई कंप्रेसर है ना, वो जब बिना लोड के चलता है ना 18 एम्पियर लेता है, तो 18 एम्पियर ले रहा है वो बिना लोड के, इसका मतलब थोड़ी है मेरा कि मेरे की 15 HP की मोटर चल रही है, वो 18 एम्पियर उसकी पावर फैक्टर की वजह से बता रहा वो। अब जब लोड आएगा तब उसका यूनिट निकाल, जब 18 एम्पियर कंटिन्यू चलेगा ना वो मेरा, तो यूनिट कितना निकलेगा पता है आपको, 2 से 3 यूनिट निकलेगा घंटे में उसका, लेकिन एम्पियर 18 लेगा, 18 मतलब वो पावर फैक्टर डाउन हो रहा है, इस कारण वो 18 एम्पियर ले रहा है। जैसे ही उसको उसके ऊपर कैपेसिटर लगाएंगे ना, तो उसके एम्पियर 18 से डायरेक्ट 5-6-7 आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो पावर फैक्टर ये होता है, वो पावर फैक्टर से लाइन गर्म नहीं होती है मेंटेन करने से, और नुकसान बिजली वाले विभाग को होता है, इसलिए क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा लगती है, यूनिट तो अपने वो कम ही निकलते हैं, जो निकलते हैं वही निकलते हैं, लेकिन उनको वहाँ से बिजली ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है। बिजली अलग होती है, वोल्टेज अलग होते हैं, सारी चीज़ें से अलग होती है भाइयों। जब जिसने ITI की हुई होगी ना इलेक्ट्रिसिटी में, उनको ये सब जानकारी देती है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ इन होती है भाइयों। तो देखो भाइयों, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब देखो मैंने इनकी चक्की चालू कर दी है, और ये इतने खुश हुए हैं कि इन्होंने पहली बार, उन्होंने बोला मैं 3-4 महीने हुए हैं, नहीं सॉरी 5 महीने समथिंग हो गए इनको ये बोल रहे हैं, और फर्स्ट बार ऐसा हुआ मतलब मेरी चक्की चालू होते ही आटा बारीक आया। वो बोल रहे हैं बाकी मैं 10 दिन तक परेशान रहता हूँ, और कभी कभी मुझे बालू और रेत भी पीसनी पड़ती है। तो देख सकते हो भाइयों इनका आटे की क्वालिटी, और थोड़ी सी और चक्की चलेगी तो इनकी आटे की क्वालिटी भी बेस्ट हो जाएगी। और ये इनकी चक्की है ना कुछ शक्ति कंपनी की है, और बिल्कुल ही घटिया कंपनी लगी है इस मेरे को ये, क्योंकि इसके इतनी मतलब हल्का लोहा लगा हुआ है, क्योंकि अंदर जो मैंने बॉर्डर वगैरह देखी वो भी कुछ काम की नहीं है। तो देख सकते हो आप आटे की क्वालिटी, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में, नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मेरे को तैयारी चल रही है और फाउंडेशन की, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा भाइयों। तो देखो ये इनकी चक्की चालू है, अब मैं लालू राम जी से मिलाता हूँ आपको। तो भाइयों और दोस्तों, मैं यहाँ लालू राम जी की चक्की पे आया था, और इनकी मैंने चक्की कंप्लीट कर दी है, और मैं आपका फीडबैक दिलाता हूँ लालू राम जी से। ये है सामने खड़े हैं, देखता हूँ, जय राम जी कर दो, जय राम। तो मैं आपको फीडबैक दिला रहा हूँ, इनसे पूछ रहे हैं कि मैंने चक्की जो रिपेयर की है और आटे की क्वालिटी कैसे, पहले से इनका कितना फायदा हुआ आटे में क्वालिटी के साथ में, आप बताइए इनको। पहले से आटा बेहतर आ रहा है, और आटा भी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, आटा एकदम बारीक आ रहा है।